तो आज के सीरीज में हम डिस्कस करेंगे बेलेबल एंड नॉन बेलेबल की डेफिनेशन जो दी गई है वो सेक्शन डिस्कस करेंगे, उसको याद कैसे कर सकते हैं वो समझेंगे, और जो एक मिथ है, जो एक मिसकंसेप्शन है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल को लेकर के जो बच्चे अक्सर समझते हैं उसको आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे, तो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। ये आ गया है हमारा टाइमर, ठीक है, तो 3 2 1 गो। बेलेबल जो ऑफेंस होते हैं वो सबसे पहले सीआरपीसी के सेक्शन 2A में डिफाइन है, ए और बी से बेलेबल। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, ए बी, एक सेक्शन है ए, उसके अंदर जो आएगा ऑफेंस वो बी से रिलेटेड है डेफिनेशन, तो वो बी वाला क्या है, बेलेबल, ठीक है। तो बेलेबल कहाँ पे डिफाइन है, 2A के अंदर सीआरपीसी में, और बेलेबल एंड नॉन बेलेबल वहीं पे डिफाइन है, ठीक है। कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल दोनों अलग अलग जगह पे डिफाइन है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जबकि बेलेबल एंड नॉन बेलेबल एक ही जगह पे। नंबर वन क्लियर, 2A, ठीक है। बेलेबल, बेल, बेल तो जमानत, एबल उसके लायक, है ना, तो बेल प्लस एबल, बेलेबल, जो ऐसा कोई अपराध, ऐसा कोई ऑफेंस जो बेल मिलने के लायक है, बेल मिलने वाली कैटेगरी में आता है। अब ये कैटेगरी कहाँ से डिसाइड होती है, ये डिसाइड होती है सीआरपीसी के शेड्यूल वन में। सीआरपीसी के शेड्यूल वन में जो भी ऑफेंस बेलेबल लिखा हुआ है कि इट इज़ बेलेबल और इट इज़ नॉन बेलेबल, तो जो बेलेबल है वो बेलेबल है। और हमेशा याद रखिए, मिथ है कि बेलेबल में हम डिस्क्रिशन है, नहीं, बेलेबल इज़ मैंडेटरी, 436 में आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। और इसका अपोजिट है नॉन बेलेबल। तो आपको कैसा लगा, नॉन बेलेबल मीन्स जिसको बेल नहीं दे सकते, एंड जो सीआरपीसी के शेड्यूल वन में दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट एक छोटी सी चीज़ और याद रखनी, सीआरपीसी का शेड्यूल वन तो है ही, उसके अलावा लिखा हुआ है वहाँ पर 2A के अंदर, एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। सीआरपीसी के अलावा अगर किसी भी अदर लॉ में लिखा हुआ है कि ये बेलेबल है इस तरह का ऑफेंस, तो वो बेलेबल है, क्लियर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बेलेबल, और बेलेबल में बेल देना मैंडेटरी है, और कौन सा सेक्शन बताया मैंने, 436 सीआरपीसी, ठीक है। और नॉन बेलेबल जो है वहाँ पर बेल देना क्या है, मैंडेटरी नहीं है, वहाँ पर डिस्क्रिशनरी है, वहाँ चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। मैंडेटरी कहाँ है, 436 में, और नॉन बेलेबल वाला कहाँ पे, सीआरपीसी में, 437 के अंदर। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, सेक्शन याद करने की ट्रिक समझ में आई, 2A के अंदर है बेलेबल, क्योंकि बी, ए बी, क्लियर है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, छोटा सा वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले सीरीज को, अगले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थैंक यू, बाय बाय।